हालेलुया। आइए जबकि हम स्तुति आराधना को गीत को गाते हैं, हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और फिर हाथ उठा के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, इस दिन के लिए, कि हम एक साथ आके उसकी स्तुति और आराधना कर सके। आमेन। अगर आप न्यूज़ देखे और काफ़ी टेस्टिमनीज भी हम लोग ने सुना है जहाँ पे लोग खुल के प्रभु के घर में एक साथ आके स्तुति आराधना नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु की दया है, उनकी मर्जी है कि हम एक साथ एक परिवार की तरह आके हम लोग स्तुति आराधना कर सके। आमेन। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। किसने नाश्ता नहीं किया आज? किया है? आइए हम स्तुति आराधना गीत को गाते हुए हम लोग जोर से गाएंगे, हाथ उठा के गाएंगे। वचन में लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से। आमेन। इससे पहले हम गीतों को गाए, मैं एक चीज आप लोग से बांटना चाहता हूँ वचन से। जब उस स्त्री ने यीशु मसीह के चरणों में वो इत्र की बॉटल को तोड़ा था, तो उसमें यीशु मसीह ने बोला कि मैंने इसके हृदय को देखा है, राइट? जबकि चेले थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, उन तक ने उसे रोका कि क्यों इसने इतने महंगे इत्र को के बोतल को फोड़ा। वो उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि मैंने उसके हृदय को देखा है। आमेन। आज जब हम एक साथ यीशु मसीह की आराधना स्तुति करेंगे, वो आपके हृदय को देख रहा है। मैं नहीं देख सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह देख रहा है। तो आत्मा और सच्चाई के साथ, खुशी के साथ, सब कुछ भुला के, अगल बगल जो खड़े उन सबको भी भुला के, बस अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु के जय के लिए हम गीतों को गाएंगे। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलू फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलू फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे आवाज उठा के, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, धन्यवाद यीशु। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए आई जीवन में खुशी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अब मैं रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही। धन्यवाद के साथ
अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, हाथ उठा के गाएं, जय जयकार, जय जयकार प्रभु, तूने मेरे, यस लॉर्ड, धन्यवाद के साथ, जय जयकार, हो जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, हाथों को उठा के प्रभु यीशु, सारे आदर और महिमा के आप योग्य हैं, क्योंकि आपने सब कुछ किया, इसलिए जय जयकार, हो जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है, तूने मेरे लिए, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, ओ तूने मेरे सब कुछ है किया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, सारे आदर सारे महिमा प्रभु, आपकी जय हो हमेशा प्रभु जी मेरे जीवन में। आइए इस समय की स्तुति आराधना करते हुए प्रभु जी को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, अपने लहू को बहाया, अपने प्राण त्याग दिए, ताकि हम एक जीवन जीने, जीवन जिए पाए प्रभु, प्रभु जी होने पाए कि हम अपनी मन की नहीं प्रभु, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी की ओर दौड़े प्रभु, क्योंकि आपने मेरे लिए प्रभु हमारे लिए सब कुछ है किया। धन्यवाद यीशु, तू महान है यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तू महान है यीशु, तू सच्चा है यीशु, तू जिंदा है यीशु, तू धन्य है यीशु, तू धन्य
यस लॉर्ड, आप धन्य हैं प्रभु, सारे आदर और महिमा के योग्य, मार्ग सत्य और जीवन और कोई नहीं प्रभु लेकिन आप हो प्रभु जी, यीशु मसीह आप हो मार्ग सत्य और जीवन। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। ज्ञान तू ही है आदि और अंत, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, सूतों की स्थिति भी तू ही है, ज्ञान तू ही है।
गाएंगे यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, तू तो स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। इसलिए प्रभु हम ये गाते हैं प्रभु, ये दुआ है प्रभु जी, ये विनती है मेरी प्रभु, ये विनती है प्रभु हमारी कि हम हमेशा सदा के लिए प्रभु आपसे कभी दूर ना जाए प्रभु जी। ऐसा बहुत बार हुआ है प्रभु जी हमारे जीवन में, किसी कारण प्रभु जी हम लोग आपसे दूर हुए हैं प्रभु, लेकिन इस समय प्रभु जी, इस समय को हम ये लेते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आपके पास वापस आना चाहते हैं प्रभु जी। अपने हृदय को प्रभु जी खोल के, अपने मनों को खोल के प्रभु जी स्तुति आराधना करते हुए प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे मन को खोल प्रभु जी, पवित्र आत्मा अपने कर्मों को, अपने कार्यों को हमारे जीवन में कर, अपना स्थान आके हमारे जीवन में ले, ताकि हम कभी भी आपसे दूर ना होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, यस प्रभु, मैं तेरी हर सदा
इस गीत को गाते हैं, इसको केवल गाए नहीं, प्रार्थना, इस गीत को एक प्रार्थना मान के अपनी आंखों को बंद करें, इस समय को इस्तेमाल करते हुए प्रभु जी से प्रार्थना करें, यस यीशु, कि मैं कभी आपसे दूर ना हूं। प्रभु जी मैं कमजोर हूं, लेकिन प्रभु जी आप मुझे ताकत देते हैं, आप मुझे सामर्थ देते हैं, वो सामर्थ जो कोई और नहीं, कोई खाना, कोई इंसान, कोई नहीं दे सकता, वो सामर्थ जो सिर्फ हम आपसे पाते हैं प्रभु। हालेलुया, आइए हाथों को उठा के, आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। ये प्रभु जी आप हमारे बीच में जीवित हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप सब
नाम की जय हो प्रभु। yes, amen. आपके नाम की सदा प्रभु जी जय हो। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस प्रभु जी, इस समय प्रभु आपके अलावा प्रभु और कोई नहीं है जो हमारे हृदय और मन को देख सकता है। प्रभु आपसे कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु जी। yes, जीवन को प्रभु हम जिस रूप में इस वक्त हैं प्रभु उसी रूप में प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आके अपने कर्मों को हमारे जीवन में कर, हमारे मन को प्रभु जी, हमारे हृदय को प्रभु जी बदल। अगर वह कठोर है प्रभु जी सब कुछ बदल प्रभु, ताकि हम प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी आराधना प्रभु जी और सिर्फ प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु आपके लिए प्रभु जी हम जी पाए प्रभु जी आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु। हालेलुया धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा इस समय आपका स्वागत, इस समय आपका स्वागत है। धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस नाम की आराधना करें जैसा गीत जो हमने गाया, यीशु नाम। हालेलुया, आइए हम उस नाम की आराधना करें अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर ऊंची आवाजों में हम उसकी आराधना करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो आराधना के योग्य है। हालेलुया, क्योंकि इस नाम के आगे हर घुटना झुक जाएगा, हर जुबान इस बात का अंगीकार करेगी कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। हालेलुया, हम आज की सुबह इस भवन में इस मंदिर में इसलिए हैं ताकि इस नाम की आराधना करने पाए, ऐसा नाम जिस नाम में हमारी जिंदगी है। हालेलुया, वो नाम जिसके द्वारा हमारा मोक्ष हमारा उद्धार हमें मिला है। हालेलुया हालेलुया, आइए हम कुछ समय लेकर उसके नाम की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा, ओ रिल्ला लाबा शिखे रे बेरे बे शांदरो बोरी खराबा, ओ रिखा बाबा बा शिखे रे बेरे बे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह हम आपके स्वर्गीय सिंहासन की ओर देखते हैं, क्योंकि हमारी सहायता आपसे आती है और परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है पिता। और इसलिए पिता आज की सुबह हम आपकी आराधना को करते हैं परमेश्वर। आज की सुबह हो सकता है तेरे बीच तेरे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है कुछ को तेरे चंगाई की आवश्यकता हो, शारीरिक रूप से
भावनात्मक रूप से और उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर आत्मिक रूप से होने दीजिए पिता परमेश्वर। जब ये आपकी आराधना को करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, पिता आप इन्हें छूइए और वो चंगाई इन्हें यीशु नाम में मिलने पाए है। पिता आज की सुबह हम आप ही के नाम को धन्य कहते हैं। जो गीत हमने गाया, होने दे ये सिर्फ गीत नहीं, लेकिन ये हमारी प्रार्थना, ये हमारा विश्वास, ये हमारे मुख का अंगीकार हो कि यीशु नाम में ही हमारी जिंदगी है, यीशु नाम में ही हमारा छुटकारा है। हालेलुया। इसलिए पिता सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति और प्रशंसा हम आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। And for the announcement, और जितनी सूचनाएं दी गई हैं, More than your congratulations, I need your prayers. और आपकी बधाइयों से ज्यादा मुझे आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। Because it is not easy to be the secretary. After chairman, secretary's post is the most important post. और चेयरमैन के बाद जो सचिव का जो स्थान है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। Now I have to work with about in the committee, in the board, in our All India board, there are 9 members. और जो हमारा अखिल भारतीय असेंबलीज ऑफ गॉड का जो कमिटी है, जो बोर्ड है, उसमें 9 सदस्य हैं। And all of them are different, different characters. और उनमें से हर एक अलग अलग प्रकार के हैं। Especially there are pastors who have a different conviction about doctrines. और ऐसे कई दूसरे पासवान भी हैं जो सिद्धांतों को लेकर अलग अलग हैं। It should not be like that. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। But we are living at a very dangerous time. लेकिन हम एक बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं। Many people, pastors are giving up their hope of the rapture of the church. और कई सारे पासवान कलीसिया के उठाए जाने की जो धन्य आशा है, उसको भी त्याग रहे हैं। And no longer they believe that the church will be raptured. और वो अब ये विश्वास नहीं करते कि कलीसिया का उठाया जाना होगा। And then more and more people are turning towards the prosperity gospel. और अब ज़्यादातर लोग समृद्धि का जो सुसमाचार है उसकी ओर फिर रहे हैं। And prosperity gospel is that God wants you to enjoy good health and He wants you to enjoy good wealth. और ये जो समृद्धि का सुसमाचार है, ये इस प्रकार है कि परमेश्वर चाहता है कि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो और अच्छा धन हो। And that is prosperity gospel. और ये है समृद्धि का सुसमाचार। And the prosperity gospel has reduced Jesus to a mere doctor or a watchman or a marriage broker. और इसलिए इस समृद्धि के सुसमाचार ने प्रभु यीशु मसीह के स्थान को गिराकर उसे एक चौकीदार, एक दलाल जो शादी करवाता है, या एक बैंक में जो काम करने वाला व्यक्ति, उस समान बना दिया। He is like a servant. अब वो एक दास बन गया है। And so we all want prosperity believers believe that Jesus Christ has to serve as a servant. और जो समृद्धि के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, ये विश्वासी इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह उनका दास के रूप में उनकी सेवा करे। Give me this. मुझे ये दो। Give me that. मुझे वो दो। And I want this, I want that. मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। So whatever I desire, और इसलिए जो भी मेरी इच्छा है, जो मैं चाहता हूँ, मुझे मिलना चाहिए। And that is prosperity gospel. और यही समृद्धि का सुसमाचार। And God wants you to be wealthy and healthy. और परमेश्वर चाहता है कि आप धनवान बने रहें और स्वस्थ बने रहें। Who denies that? और ये कौन इसका तिरस्कार करता है? You will be healthy if you live right. अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आप सही रीति से जिए। No matter what you believe, it all depends on your life and your relationship with the Lord. और ये चाहे आप किसी भी बात पर विश्वास करें, ये बात तो निर्भर है परमेश्वर के संग आपका रिश्ता और आपके जीवन शैली के ऊपर। Who is Jesus to you? और यीशु आपके लिए क्या है? Is he a magician? क्या वो कोई जादूगर है? Is he just a doctor? क्या वो सिर्फ एक डॉक्टर है? Or is he just a provider? या वो आपको मुहैया कराने वाला? That's what we want. और सिर्फ यही हम चाहते हैं। But how about his holiness? लेकिन उसकी पवित्रता के विषय में क्या कहें? How about sanctification? और शुद्ध किए जाने के विषय में क्या कहें? How about living a life worthy of the price he paid on the cross? और उस जीवन जो उसने अपनी देह उस क्रूस पर कुर्बान कर दी, उसके योग्य एक जीवन को बिताने के विषय में क्या कहें? So these are the problems that is afflicting the church today. और ये वो समस्याएं हैं जो आज के दिन कलीसिया के बीच भी हैं।
And it is also a fulfillment of a prophecy. और ये सारी बातें उस भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए दिखाती हैं. In the last days, कि अंत के दिनों में, many shall fall from their faith. कई अपने विश्वास को त्याग देंगे. And that is happening. और ऐसा ही हो रहा है. Many pastors are leaving their pastoral ministry. और कई सारे पाजवानों ने अपनी पाजवान की जो सेवकाई है, अगुवाई है, उसको छोड़ दिया. They are going after wealth. और वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं. And so, what is the true riches? और इसलिए सच्ची समृद्धि क्या है? True riches is not having possessing silver and gold and abundance of bank balance. और याद रखिए, सच्ची समृद्धि ये नहीं है कि आपके पास सोना चांदी या बहुत ज़्यादा बैंक खाते में आपके पास बैलेंस हो. It is to be rich towards God. लेकिन ये तो समृद्धि इस विषय में है कि कितना समृद्ध आप परमेश्वर के संग हैं. Rich in faith. और अपने विश्वास में कितने समृद्ध हैं. Rich in your commitment. और अपने समर्पण में कितना आप धनवान हैं. You stand for what Jesus stood for. और आप खड़े होते उन बातों के लिए जिनके लिए यीशु मसीह खड़ा हुआ. That is important. और ये महत्वपूर्ण है. So be very watchful. और इसलिए बड़े सावधान रहिए. God does not want us to starve. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भूखे मरे. God has so many millionaires in the world. और क्योंकि परमेश्वर के पास तो बहुत सारे करोड़पति हैं इस संसार में. So many billionaires. और बहुत सारे करोड़पति. They are all good committed followers of Christ. और ये सब के सब परमेश्वर के प्रति गहरे समर्पण को और अच्छे विश्वास के जीवन को जीते हैं. But it is these millionaire believers and billionaire believers who support world mission, sending missionaries and giving through their churches. और यही जो करोड़पति जो विश्वासी हैं, इनको परमेश्वर ने तैयार किया है और इनका प्रयोग करता है कि विश्व भर में अपने सेवा कार्य को इनके द्वारा करे. सो इफ यू पोसेस सम एक्स्ट्रा मनी. और इसलिए अगर आपके पास कुछ ज्यादा पैसा है. यू सीम टू हैव एनफ मनी टू स्पेयर. और आपके पास है ज्यादा, आप जितना होना चाहिए थोड़ा उससे बढ़कर के. एंड इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट. और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं. यू मस्ट रियलाइज वन ट्रूथ. आपको एक बात या एक वास्तविकता को पहचानना. It is because God trusts you. और ये तो परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा है. That the money you receive, you will know for what purpose. और जो पैसा आपको मिलता है, आपको पता है उसका क्या उद्देश्य है. It is for the purpose of building up the kingdom of God. ये उस पैसे का उद्देश्य है कि आप परमेश्वर की राज्य की स्थापना करें. To spread the gospel. कि आप सुसमाचार को फैलाइए. We have missionaries. हमारे पास सेवा करने वाले परमेश्वर के दास हैं. We have to support them. हमें उनका सहयोग करना है. And do everything we can to support missionaries so that they can go where we, you and I cannot go. और इसलिए हर एक प्रयत्न करें, हर एक रीति से उनका सहयोग करने की कोशिश करें ताकि वो वहां जा सके जहां आप और मैं नहीं जा सकते. See, our missionary is about whom you heard just now. और देखिए उस मिशनरी के विषय में जिनके विषय में अभी आपने सुना. They all are working very sincerely. वो बड़ी सच्चाई के संग वहां काम कर रहे हैं. People are coming to the Lord. और लोग विश्वास में आ रहे हैं. But the devil doesn't like it. लेकिन शैतान इस बात को पसंद नहीं करता. So he will do everything to destroy what they are doing. और इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा, हर एक प्रयत्न करेगा ताकि उस कार्य का नाश करने की जो वो करते हैं. So what is our part? हमारा क्या काम है? It is not giving some money and sending them and keep supporting them is the least. और याद रखिए, उन्हें भेजना और पैसों आर्थिक रूप से उनकी सहायता करना ये सबसे कम है जो हम कर सकते. Most important thing is to stand with them. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उनके संग खड़े हो जाएं. Pray for them every day. और उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें. Cover them with your prayers. अपनी प्रार्थनाओं से उन्हें ढके रखें. And visit them. और उनको जाइए मिलने के लिए. Because the mission team keeps going and visiting them, so why don't you join? और जो मिशन का समूह है वो जाता रहता है महीने में उनसे मिलने के लिए, तो आप उनके संग जुड़ जाइए. And see what they are doing. और देखिए वो कैसे काम करते हैं. Help, let them know that you are with them and you are praying for them and you love them. और उन्हें पता चलने दीजिए कि आप उनके संग हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आप उनकी सहायता करेंगे. So it is very important. तो इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है. So don't reduce Jesus to a mere servant. और इसलिए यीशु के स्थान को गिराकर आप सिर्फ उसे एक दास ना बनाएं. He is not our servant. वो हमारा दास नहीं है. Who is he? वो कौन है? He is the king of all the kings. वो राजाओं का राजा है. Amen. Amen. He is the Lord of all lords. और वो प्रभुओं का प्रभु है. And if he is the king, I am a subject.
अगर अगर वो राजा है तो मैं उसका दास हूँ. Subject does not command the king. और याद रखिए एक दास कभी राजा को आज्ञा नहीं देता है काम करने. Subject listen to the king's command. लेकिन एक दास राजा की आज्ञा को सुनता है. And then ready to do what the king desires. और हमेशा तैयार रहता है करने के लिए जो राजा आज्ञा दे. And so let us listen to Jesus. और इसलिए हम यीशु को सुने. And when you read the Bible. और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं. You are actually reading a message from God for you. आप परमेश्वर की ओर से एक संदेश को जो आपके लिए है उसे पढ़ते हैं. That is the way you should consider the Bible. और इसी रीति से आपको बाइबल को लेना है. It is not just a religious book. ये सिर्फ एक कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है. Don't treat this as another religious book. इसे किसी दूसरी धार्मिक पुस्तक के समान आप इसके संग व्यवहार ना करें. Or a history book. या कोई इतिहास की किताब. This is God's message for you. लेकिन ये तो परमेश्वर का संदेश है आपके लिए. And that's how you must read the Bible. और इसी रीति से आपको बाइबल को पढ़ना. We hear the voice of God through a number of ways. और हम परमेश्वर के वचन या उसकी वाणी को कई रीति से सुनते हैं. We hear the voice of God through miracles. और हम परमेश्वर की वाणी को चमत्कारों के द्वारा देखते. We hear the voice of God through our afflictions. और हम उन पीड़ाओं से जिनसे होकर के निकलते हैं उनके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं. We hear the voice of God through the Bible. और हम परमेश्वर की आवाज को इस पवित्र बाइबल से सुनते हैं. It's a message for you. ये आपके लिए एक संदेश है. And so when you obey God's word. और इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं. It will happen to you what the Bible says will happen. तब ऐसा ही आपके संग होगा जैसा वचन में लिखा है. Amen. Amen. And so let us thank God for the word of God. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें. And last Sunday. और पिछले रविवार को. We read from the book of Ephesians. हमने इफिसियों की पत्री से पढ़ा. This letter is written by the apostle Paul. और ये पत्री पौलुस प्रेरित ने लिखी है. And chapter 6. और छठा अध्याय. Verses 10 and 11. और दसवां और ग्यारहवां वचन. Read it. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. बलवंत बलो बनो. Everybody say बलवंत. बलवंत बनो. You need to be strong in the Lord. और आप सबको परमेश्वर में बलवंत बनना है. Everybody say, I have to be strong in the Lord. और हर कोई इस बात को कहे कि मुझे परमेश्वर में बलवंत बनना है. That is God's will for you. और यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए. That's a message from God for you. और ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक संदेश है. Don't remain as a weak believer. और एक निर्बल विश्वासी के रूप में आप ना रहें. What is a weak believer? एक निर्बल विश्वासी कौन है? You come every Sunday. You come and pray for me. I have this problem. और वो हर रविवार आएगा और वो कहेगा मेरे लिए प्रार्थना करिए. मेरे अंदर ये समस्या है. ये समस्या है. You should be strong. आप बलवंत होने चाहिए. That if something happened to you suddenly at home. ताकि अचानक से अगर घर में आपके संग कुछ हो जाए. Don't get panic. तब आप घबराइए मत. You should know who you are. लेकिन आपको ये जानना है कि आप कौन हैं. Who are you? आप कौन हैं? Who are you? आप कौन हैं? आप बलवंत हैं. Are you a child of God or not? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं? Yes, you are a child of God. अगर आप परमेश्वर की संतान हैं. And if you are a child, who is God to you? और क्या आप ऐसे एक संतान हैं जो परमेश्वर आपके लिए आपका प्रभु है? If you are a child, अगर आप एक संतान हैं. Who is God to you? तो परमेश्वर आपके लिए कौन हुआ? Father. आपका पिता. You are the son and God is your father. और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर आपका पिता है. And if you are a son or a daughter. और अगर आप एक बेटा या बेटी हैं. By believing and following Jesus Christ daily. और प्रतिदिन विश्वास और उसके पीछे चलने के द्वारा. And that you give up all the worldly pleasures and worldly habits. और आप सांसारिक आदतों को और सांसारिक
व्यापारिक जो बातें उनको छोड़ देते हैं. And if you call on the name of the Lord, और अगर आप परमेश्वर के नाम को पुकारें, then you should have the boldness to come before God at that very moment when you are afflicted. Oh Father, I know I am your child, and as a child I come to you. Father, this is happening to me, and it is not good. So strengthen me and heal me, and I am leaving myself in your hand. तब आपके पास ये हियाव होना चाहिए कि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर अपनी परेशानी को कहें कि हे परमेश्वर, मुझे वो हियाव दे, मैं आपकी संतान हूँ और मैं इससे होकर के निकलता हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ. You don't have to get panic. आपको घबराने की आवश्यकता Suddenly you call pastor. और अचानक से आप पासवानों को कॉल करेंगे pray for me. कि पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करिए. I'm going to die. मैं मरने वाला हूँ. And are you afraid of death? क्या आप मरने से डरते हैं? If you are afraid of death, अगर आप मरने से डरते हैं, then something wrong with your relationship with the Lord. तब परमेश्वर के संग आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है. If you really know you are a child of God, और अगर आप सच में जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान, and that you are living a holy life, और आप पवित्र जीवन को जीते हैं, giving up all the bad habits and all bad languages, और जितनी बुरी आदतें और बुरी भाषा शैली उनको आप छोड़ चुके हैं, and praising God, और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, reading the word of God, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, living according to the Bible, और परमेश्वर के वचन अनुसार जीते हैं, I mean not doing the wrong thing, और किसी गलत बात को नहीं करते, then you know. If you die, where will you go? तब आप जानते हैं अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहां जाएंगे? You go to your father's place. तब आप अपने स्वर्गीय पिता के घर जाएंगे. So there is no need to get afraid of. तो इसलिए मृत्यु से भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं. Now, Christian life is a battle. याद रखिए मसीही जीवन एक लड़ाई है. Okay, so that's why Apostle Paul in this passage begin to say. Be strong in the Lord. और इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. Now these instructions are given to those who have a right relationship. और ये निर्देश उनके लिए हैं या उनको दिए गए हैं जिनका परमेश्वर के संग एक सही रिश्ता है. You are no longer somebody. What do you call? You are by acknowledging and accepting and believing in Jesus Christ as your Lord and Savior with the heart you believe and with the mouth you confess. और प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु कहकर आपने जब अंगीकार किया तो मुख से आप बोलते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं. So let us read the next verse. और 11वें वचन में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. Oh yeah. What does it say? और वहां उस वचन में क्या लिखा है? Put on. कि सारे हथियार बांध लो. The whole armor of God. परमेश्वर की ओर से दिए गए सारे हथियार. There is an armor given by God made in heaven. और परमेश्वर के द्वारा एक सुरक्षा कवच जिसे स्वर्ग में बनाया गया है आपके लिए दिया गया है. And if you read the following verses, और अगर आप आगे बढ़ते हुए सारे वचनों को पढ़ेंगे, you will understand what that armor means. तब आपको समझ में आएगा कि वो कवच क्या है. And that's what you have to put on. और उसी कवच को आपको बांध लेना है. Did you finish that verse? Yes. Put on the whole armor of God. Yes, put on the whole armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. That is true. No, for me it is yes. Verse 11. Yeah. Read ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. That is the then the following verses it, the armor is described. और उसके आगे के वचनों में इस कवच के विषय में या उसका वर्णन किया गया है. And so here is the truth. और यहाँ पर ये सच्चाई है. Believers, life is a battle. और विश्वासियों का जीवन एक लड़ाई है. And that means we have an enemy. और इसका मतलब ये है कि हमारा एक शत्रु है. Who is our enemy? और हमारा शत्रु कौन है? Satan. For many of us, our brother sitting next to us is our enemy. हम में से कईयों के लिए हमारे बगल में जो भाई बैठा है या बहन बैठी है वो हमारा शत्रु है. So we keep fighting among ourselves. तो हम आपस में लड़ते रहते हैं.
In the churches, that is what is happening. और कलीसियाओं में भी ऐसा हो रहा है. अरे, you are not my enemy. अरे, आप मेरे शत्रु नहीं हैं. You are my brother. You are my sister. आप मेरे भाई हैं. आप मेरे बहन हैं. We are members of the same Lord. हम उसी एक प्रभु के, उसी एक देह के सब सदस्य हैं. We are not enemies with each other. हम एक दूसरे के शत्रु नहीं. We have a common enemy. लेकिन हम सब का एक ही शत्रु है. The devil. और वो है शैतान. Satan is our enemy. और वो शैतान ही हमारा शत्रु है. And our battle is not between us, but our battle is against the devil and all his evil forces of the kingdom of darkness. और इसलिए हमारी लड़ाई आपस में नहीं, लेकिन पर उस शैतान के विरुद्ध है, जो उसकी सारी युक्तियों और दुष्ट की शक्तियों के विरुद्ध. And so this battle is described as a warfare of faith. और इस लड़ाई का वर्णन किया गया है विश्वास का मलयुद्ध. That continues until they enter the life to come. और इस ये मलयुद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हम उस जीवन में प्रवेश ना कर ले जो हमारे लिए रखा गया. What is the life to come? और वो जीवन जो आने वाला है वो क्या है? The rapture of the church. वो है कलीसिया का उठाया जाना. When the Lord appears in the sky. जब परमेश्वर बादलों पर आएगा. With the trumpet sound. एक तुरही के आवाज के संग. And those who die in the Lord. और वे जो प्रभु में सो गए हैं. Shall rise again. वो उठेंगे फिर से. And we shall receive a resurrected body. और हम सबके पास एक पुनरुत्थान हुआ शरीर होगा. And we shall be snatched away. और पलक झपकते ही हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे. And we will meet the Lord in the air. और हम परमेश्वर से उस बादलों पर मुलाकात करेंगे. From there he takes us to our heavenly Father. और उस स्थान से वो हमें हमारे स्वर्गीय भवन की ओर ले जाएगा. So until that happens, जब तक ऐसा ना हो, this Christian life is a battle. तब याद रखिए, तब तक ये मसीह जीवन एक मलयुद्ध है. And therefore, और इसलिए, Apostle Paul says to Timothy, his son in the faith. तिमोथी उससे ये कहता है जो विश्वास में उसका बेटा है. Look at it, First Timothy chapter 1. पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय. Everybody who has the Bible, you please look into that verse. It is important that you look into the word. आप में से हर एक जन जिसके पास बाइबल है, कृपया करके पहला तिमोथियस की पत्री को खोलिए, पहला अध्याय. First Timothy chapter 1 verses 18 and 19. पहला तिमोथियस पहला अध्याय 18वां और 19वां वचन. Did you all find it? क्या आप सबको मिल गया? Okay, read. हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विश्वास में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है. Apostle Paul is giving these instructions to Timothy, his son, in the faith. और पौलुस प्रेरित इन निर्देशों को तिमोथियस, जो कि विश्वास में उसका पुत्र है, इन निर्देशों को देता है. And what is he saying? और वो क्या कह रहा है? Chapter 1, verses 18 and 19. और पहला अध्याय 18वां और 19वां वचन. He says here, holding on to faith and a good conscience, some have rejected these and so have shipwrecked their faith. 18, you know. Timothy, my son, I give you this instruction in keeping with the prophecies once made about you, so that by following them you may fight the good fight. हे पुत्र तिमोथियस, उस भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे. इट इज अ गुड फाइट. ये एक अच्छी लड़ाई है. Why? क्यों? Because we are fighting against the devil himself. क्योंकि हम शैतान के विरुद्ध लड़ रहे हैं. That is a good fight for the Christian. और ये मसीहों के लिए एक अच्छी लड़ाई है. Hallelujah. Hallelujah. He is the one who tries to bring misunderstanding between us. क्योंकि ये शैतान ही है जो हमारे बीच में गलतफहमियों को लाता है. He is the one who is causing divisions. और यही है जो हमारे बीच विभाजनों को लाता है. He is the one who is causing all kinds of causing people to gossip and
and criticize and all these sort of things. और यही शैतान है जो लोगों को फुसलाता है कि वो दूसरों के विषय में गलत बातें करे, उनकी उनके विषय में फुसफुसाएं या और गलत बातों को फैलाएं. And then you know, I think you are my enemy. और फिर हमें लगता है कि आप हमारे शत्रु हैं. Because you said this. क्योंकि तुमने ऐसा कहा. That is the problem. और यही समस्या है. No, we need to for direct our anger and our attention to the devil himself and then fight against him. और हमें अपने क्रोध, अपने ध्यान को शैतान की ओर देना है और उसके विरुद्ध लड़ना है. No, it is not the sister, it is not my brother, it is the devil coming between us. और ना कि अपने भाई या बहन के विरुद्ध, लेकिन क्योंकि ये शैतान है जो हमारे बीच में आता है. And so it says here. और इसीलिए इस प्रकार यहाँ लिखा है. This battle will continue until we enter the life to come. और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम उस जीवन में प्रवेश ना कर ले जो आने वाला है. So there is a life to come. और इसलिए एक जीवन है जो हमारा इंतजार करता है. What kind of life is this? और ये कैसा जीवन है? It is described by Paul himself in 2 Timothy chapter 4. और इसका वर्णन खुद पौलुस प्रेरित ने दूसरा तिमुथियुस उसके चौथे अध्याय में किया है. So we will read that also. हम उस वचन को भी पढ़ लेंगे. 2 Timothy chapter 4 verses. दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय. Verses 7. और सातवां वचन. I have fought the good fight. और मैंने एक अच्छी लड़ाई को लड़ा है. That's what we read here. Where in 1 Timothy chapter 1. और इसी बात को हम पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय में भी पढ़ते हैं. He is instructing Timothy to fight a good fight. क्योंकि वो तिमुथी को पौलुस प्रेरित निर्देश दे रहा है कि एक अच्छी लड़ाई को लड़. The temptation. We have to fight against. और वो परीक्षाएं जो हमारे सामने आती हैं उनके विरुद्ध हमें लड़ना है. And all kinds of bad habits. और हर प्रकार की बुरी आदतें. That the devil forces us to practice. जो शैतान हमें मजबूर करता है कि हम उनके पीछे चलें. It is the devil. ये तो शैतान है. And so we have to come against him. और इसलिए इन सारी बातों के विरुद्ध हमें. It is a good fight. क्योंकि एक अच्छी लड़ाई. Because you are fighting against the devil who wants you to do bad things. क्योंकि आप शैतान के विरुद्ध लड़ रहे हैं जो आपको मजबूर करता है गलत बातों को करने. So what does it say? तो यहाँ पर क्या लिखा है? There is a life that is to come. एक जीवन है जो हमारा इंतजार करता And है. And this life is for those who live victoriously. और ये जीवन उनके लिए है जो जयवंत रूप से जीते हैं. Throughout their life, they engaged in this battle. और अपने संपूर्ण जीवन भर वो इस मलयुद्ध में लगे रहे. Hallelujah. Hallelujah. And if you continue to fight. और अगर आप निरंतर लड़ते रहेंगे. And overcome the devil's scheme. और शैतान की युक्तियों पर विजय पाएंगे. Then what happened to you? तब आपके संग क्या होगा? Read this. इसे पढ़िए. 2 Timothy 4:7. और दूसरा तिमुथी उसकी पत्री चौथा अध्याय सातवां वचन. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है. What is it say? My? अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ. अच्छी कुश्ती. Don't laugh at my Hindi. But you are free to laugh. अच्छी कुश्ती. कुश्ती. Okay. We say in Hindi kushti. Kushti. We say gusti. So that is the only difference. Gusti and kushti. It is a battle. It is a wrestling kind of thing. और ये एक कुश्ती के समान है. We have to fight the temptation. हमें अपनी परीक्षाओं के विरुद्ध लड़ना है. Fight all the evil. और जितनी बुराई है उसके विरुद्ध लड़ना है. All the bad imaginations. और जितनी बुरी भावनाएं विचार हैं उनके विरुद्ध लड़ना. And evil desires. और वो जो दुष्ट विचार हैं उनके विरुद्ध. And in order to fulfill these evil desires, we will do anything. और इन बुरे विचारों को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार. So Apostle Paul says. और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है. You battle it out and battle. It is a war. Battle, a warfare.
और इसलिए पॉलस स्पिरिट कहता है कि इनके संग लड़ो क्योंकि ये एक लड़ाई है, कुश्ती के समान है. And then what is next? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है. Christian life also is a race. और याद रखिए मसीही जीवन एक दौड़ भी है. So first of all, Christian life is a battle. और इसलिए पहली बात मसीही जीवन एक लड़ाई है. Christian life is a race. और दूसरी बात मसीही जीवन एक दौड़ है. Amen. We have to fight the battle. और हमें लड़ाई को लड़ना है. And win. और उसे जीतना है. We have to run this race. और हमें इस दौड़ को दौड़ना है. And win. और जीतना है. What is next? और उसके बाद वो कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है. विश्वास की रखवाली रखती है. इसका मतलब क्या है? I kept the faith. इसका मतलब है उसने अपने विश्वास को बनाए रखा. There are all kinds of attack against my faith. और हर प्रकार का आक्रमण मेरे विश्वास के विरुद्ध होता है. अरे these are not true. अरे ये सत्य नहीं है. You believe anything you want. और आप किसी भी बात पर विश्वास कर सकते हैं जिस पर आप चाहें. That is, you know, this faith also is involved in that battle. लेकिन आपका विश्वास भी उस लड़ाई में लगा हुआ है. So we have to fight. That's why it is called a good fight. और इसीलिए इसे एक अच्छी लड़ाई कहा गया है. And then what? Then listen. Eight. Yeah. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है. Verse 8. आठवां वचन. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है. What is your reward? और आपका पुरस्कार क्या है? There is a crown waiting for you. आपके लिए एक मुकुट इंतजार कर रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say crown. और सब कहें मुकुट. That's what we need to win. और इसी मुकुट को हमें जीतना है. And then? जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा. मुझे नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. यू नो वन गुड थिंग अबाउट दिस क्रिश्चियन रेस इज, और इस मसीही दौड़ के विषय में एक भली बात ये है, अनलाइक ओलंपिक रेस और एनी रेस, अगर इसकी तुलना किसी और दूसरी दौड़ से, ओलंपिक की दौड़ों से या किसी और दूसरी दौड़ से की जाए, इन दिस रेसेस ओनली वन कैन विन, क्योंकि इन सारी दौड़ों में सिर्फ एक ही विजेता होता है. But in Christian race, लेकिन मसीही दौड़ में, everyone who run this race according to God's law win. और हर एक विश्वासी जो इस दौड़ को दौड़ता है परमेश्वर के व्यवस्था अनुसार वो विजयी है. Hallelujah. Hallelujah. And so say, I can be a winner. तो इसलिए आप कहिए मैं भी एक विजेता हो सकता हूँ. And everyone who wins will receive a crown. और हर एक जन जो जीतेगा उसे वो मुकुट मिलेगा. There is no first prize or second prize or third prize. और इसलिए याद रखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान नहीं होगा. There is only one prize. सिर्फ एक ही पुरस्कार होगा. First prize. और वो है पहला स्थान. Who will complete the race? और हर एक उसके लिए जो इस दौर को पूरा करेंगे. According to the rule. परमेश्वर के नियम अनुसार. Hallelujah. Hallelujah. Some may take 2 years. और कुछ 2 साल लेंगे. Some may take 25 years. और कुछ 25 साल लेंगे. But if we are faithfully running the race. लेकिन आप अगर इस दौर को दौड़ने में विश्वास योग्य हैं. You are a winner. तब आप एक विजेता होंगे. Hallelujah. Hallelujah. You also will have a crown. तब आपके पास भी एक मुकुट होगा. The same crown. और वही मुकुट. Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति. How many of you want to have that crown on you? और आप में से कितने आपके सर के ऊपर उस मुकुट को चाहते हैं? Hallelujah. Hallelujah. There are about 5 or 7 crowns in heaven. और स्वर्ग में लगभग 5 या 7 मुकुट मौजूद हैं. One can win more than one. और एक मुकुट से ज्यादा जीत सकता In the process of running, जब आप उस प्रक्रिया में हैं अपने विश्वास में दौड़ने की. Some may be killed. और हो सकता है कुछ को मार दिया जाए. Because of our faith. हमारे विश्वास के कारण. And they are called martyrs. और उन्हें शहीद कहा जाता है. And for them there is a special crown. और ऐसे शहीदों के लिए खास मुकुट स्वर्ग में रखा गया है. Do you know that? क्या आप सबको ये पता so है? You have a crown for running the race. और इसलिए आपके पास दौड़ को दौड़ने के लिए एक मुकुट there है. Is a crown for battling it out. और एक मुकुट है उससे लड़ने, उससे मल्ल युद्ध को जीतने के Hallelujah. लिए. Hallelujah. And then there is a crown specially
given for the soul winners. और एक मुकुट को खास रीति से रखा गया है उनके लिए जो आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीतते हैं. And I think that is going to be the most precious, costly crown. और मुझे लगता है वो सबसे बहुमूल्य और सबसे महंगा मुकुट होगा. Because every soul you win. क्योंकि हर एक आत्मा जिसे आप प्रभु के लिए जीतते हैं. But how many of us are really engaged in bringing people to the Lord? लेकिन हम में से कितने वास्तविक रूप में लोगों को विश्वास में लाने में लगे That's हुए हैं? That's why, dear brothers and sisters. और इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों. Every believer. और हर एक विश्वासी has to be a witness for Jesus Christ. आप में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बनना है. You must do what you can do in order for one soul to know about Jesus. आपको वो सब कुछ करना है जो आप कर सकते हैं ताकि कोई एक आत्मा प्रभु यीशु के विषय में जाने. That's why I encourage you to take the New Testament from there. It is free and keep it in your purse and whenever opportunity comes, give it to somebody and tell them this book will help you to find the way to eternal life. और इसीलिए बार बार हम यहाँ से कहते हैं कि आप नए नियम की कुछ कॉपियों को वहाँ से ले लें और ले जाएं अपने बैग में रखें. जब किसी भाई या बहन से मिले जिसने यीशु को नहीं जाना उसे बताइए कि कैसे ये पुस्तक आपके जीवन को बदल सकती है. Parents must dedicate your children for God's ministry. और माता पिताओं को अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना है. Such people have a special crown. ऐसे लोगों के लिए खास मुकुट को परमेश्वर ने रखा है. There is a crown awaiting. एक मुकुट आपका इंतजार कर रहा है. And then what? और इसके बाद क्या? So, please remember this. कृपया करके इस बात को याद रखिए. Let us look into the next part. और आइए अगले भाग में हम आगे बढ़ेंगे. So that you can take your stand against the devil's schemes. ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. So, the one good thing is the believer's victory has been secured by Christ Himself through Christ's death on the cross. और एक ऐसी बात यह है कि एक विश्वासी की विजय को खुद प्रभु यीशु मसीह ने सुनिश्चित कर दिया है अपनी मृत्यु के द्वारा उस क्रूस पर. Jesus waged a triumphant battle against Satan. और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई को जीता. Disarmed the evil powers. और बुराई की शक्तियों को हरा दिया. And evil authorities. और जितने बुराई अधिकार रखने वाली थी. So open your Bible to Colossians chapter 2. और इसलिए कुलूसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय की ओर आप अपने बाइबलों को खोलें. Some stories. मैं आपको कहानियां नहीं बता रहा. To make you laugh. ताकि आपको हंसा पाऊं. I am telling you the truth from God's word that only the truth can set you free. लेकिन मैं तो परमेश्वर के वचन से आपको सत्य बता रहा हूँ क्योंकि सत्य ही आपको आजाद करेगा. Colossians chapter 2 verse 15. और कुलूसियों की पत्री दूसरा अध्याय 15वां वचन. Yeah. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर को ऊपर से उतार कर उनका खुले आम तमाशा बना दिया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. See, you must read this verse and notice every word used here. और इस वचन को आप पढ़िए और एक एक शब्द को देखिए जिसका प्रयोग यहाँ हुआ है. And what Christ has done. और वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया है. Hallelujah. Chapter 2, verse 15. और कुलूसियों की पत्री दूसरा अध्याय 15वां वचन. And we read here. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं. And having disarmed the powers and authorities. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर. What are these powers and authorities? और ये अधिकार रखने वाले और ये प्रधान कौन थे? The devil himself. ये शैतान खुद. And authorities are his demons who controls the sky and who controls nations. उसके शैतान उसकी दुष्ट आत्माएं थे जो हवा पर या बादलों पर राज करते थे. Then he says, और उसके आगे लिखा, battle against them, उनके विरुद्ध वो लड़ा. And he made a public spectacle of them. और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया. Triumphing over them. और उस क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. हाउ? कैसे? बाय द क्रॉस. उस क्रूस के द्वारा. सी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. देखिए मेरे भाइयों और बहनों. द क्रॉस
became the means of defeating Satan and all his authority. देखिए मेरे भाइयों और बहनों कि कैसे ये क्रूस शैतान और उसकी हर एक दुष्ट आत्मा उसकी हर एक युक्ति को हराने का एक जरिया बन गया. That's why Paul says. और इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है. If I boast about anything. अगर मैं किसी बात पर घमंड करूं. I will not boast about my riches or my learnings or anything. तब मैं अपनी समृद्धि अपने ज्ञान के विषय में घमंड नहीं करूंगा. But I will boast about the cross. लेकिन मैं उस क्रूस पर घमंड करूं. Hallelujah. Hallelujah. Why? क्यों? It is by the cross he battled against the devil and all his schemes and defeated them, making a public display. क्योंकि इस क्रूस के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और उसकी सारी युक्तियों से लड़ा और खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बना दिया. Then another place Paul says, और एक दूसरे स्थान पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार कहता है, By the cross, क्रूस के द्वारा, I am crucified to the world, मैं भी उस संसार के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया and गया. The world is crucified. It is no longer alive. और वो संसार भी मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया है. अब मैं जीवित नहीं. So the cross is the means of victory. और इसलिए ये क्रूस आपकी जीत का एक जरिया है. Hallelujah. Hallelujah. Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. You know, my brothers and sisters, each verse that I read today. मेरे भाइयों और बहनों हर एक वचन जो आज की सुबह हमने पढ़ा. I hope you will go back home and read them. मेरे पूरी आशा है कि घर वापस जाकर आप इस वचन को जरूर पढ़ेंगे. And make sure that you are in conformity with God's word. और इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप परमेश्वर के अनुसार जी रहे हैं. We have to stand against the devil's scheme. क्योंकि हमें शैतान की युक्तियों के विरुद्ध खड़ा होना है. So I glory in the cross. और इसलिए मैं उस क्रूस पर की महिमा पर घमंड करता हूं. Hallelujah. Hallelujah. By that cross. और उस क्रूस के द्वारा. He destroyed all the powers of darkness. उसने अंधकार के हर एक सामर्थ को हरा दिया. So when you have Jesus in you. और इसलिए जब आपके भीतर यीशु है. Then it is no longer you who is alive. तब आप नहीं जीते. But Christ is alive in me. तब यीशु आपके भीतर जीवित है. That's how we live victoriously. और इसी के द्वारा हम एक जयवंत जीवन को जीते हैं. There are two young people. और दो जवान के विषय में बताऊं. One day they were discussing about temptation. और एक दिन वो दोनों जवान परीक्षाओं के विषय में बात कर रहे थे. And they were discussing how they face the temptations and how to overcome. वो बात कर रहे थे कैसे वो चुनौतियों का या उन परीक्षाओं का सामना करते हैं, कैसे उन पर विजय पाते हैं. So they were asking how do you do it. और वो एक दूसरे से पूछे तुम ऐसा कैसे करते हो. And one say you know very often I fail. और एक कहता था मैं कई बार असफल हो जाता हूँ. And I become so weak. और मैं बहुत निर्बल हो जाता हूँ. That I yield to that temptation. और मैं उन परीक्षाओं में खुद को दे देता हूँ. And then that fellow asked, "How do you deal with the?" और तब इस व्यक्ति ने इस जवान ने दूसरे से पूछा, "तुम कैसे इनका सामना करते हो?" And he then that I think these were the girls, and that so that girl said. और ये दोनों लड़कियां थीं और इसलिए दूसरी लड़की ने कहा. For me it is easy. मेरे लिए तो ये आसान है. Or the what do you do? तुम क्या करती हो? She said. उसने कहा. I have to believe the Bible. मुझे बाइबल पर विश्वास करना है. And I must act और उसके अनुसार चलना है. It says, और वहां उसमें लिखा है, I am crucified with Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ा दिया गया. So I no longer live. अब मैं नहीं जीता. But it is Christ who is alive in me. लेकिन ये तो यीशु है जो मेरे भीतर जीवित है. So when some temptation comes, और इसलिए जब वो परीक्षाएं आती हैं, and knock at my door, और मेरे हृदय के दरवाजे को खटखटाती हैं, I don't go and open the door. तब मैं जाकर दरवाजे को नहीं खोलता. I let Jesus go. तब मैं यीशु को अनुमति देता हूँ कि वो जाए. Because it is Jesus who is in me. क्योंकि मेरे भीतर तो यीशु जीवित है. And when Jesus opens the door, और जब यीशु दरवाजे को खोलता है, the devil sees Jesus. तब वो शैतान यीशु को देखता है.
He doesn't see me. वो मुझे नहीं देखता. Jesus is in front. यीशु उसके सामने होता. And do you think the devil will ever stand in front of Jesus? क्या आपको ऐसा लगता है शैतान कभी यीशु के विरुद्ध खड़ा हो सकता है? He will begin to shiver and he will run away. और वो देखते ही घबराएगा और भाग जाएगा. So let Jesus be prominent in your life. तो होने दे यीशु आपके जीवन में मुख्य स्थान को ले. But I also give you this warning. लेकिन मैं ये चेतावनी भी आपको देता हूँ. Temptation will come to everybody. कि परीक्षाएं सबके सामने आएंगी. Temptation itself is not sin. और याद रखिए परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है. But then what is sin? लेकिन पाप है क्या? Yielding to temptation is. जब आप अपने आप को उन परीक्षाओं में खुद को दे देते हैं. So instead of that, what you do is. लेकिन इसकी बजाय आपको क्या करना है? See, you cannot help the bird flying over your head. देखिए आप इस बात का कुछ नहीं कर सकते कि जब एक चिड़िया आपके सर के ऊपर उड़े. Am I true? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? You cannot help. अब आप इस बात को लेकर कुछ नहीं कर सकते. You cannot stop a crow. तो आप किसी चिड़िया को रोक नहीं सकते. To flying over your head. कि वो आपके सर के ऊपर से ना उड़े. But. लेकिन. I can definitely stop that bird from sitting on my head and making a nest for itself. लेकिन मैं और आप उस चिड़िया को हमारे सर पर बैठकर घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं. Understand? क्या समझ में आया? How many of you understood that? आप में से कितनों को ये उदाहरण समझ में आया? What is the problem with many young people these days? और आज के दिनों में कई सारे जवानों के संग समस्या क्या है? The devil come with temptation. जब उनका आमना सामना परीक्षाओं से होता है. And it like a bird trying to build a nest. और ये परीक्षाएं शैतान लेकर के आता है चिड़िया के समान जो घोंसला बनाना चाहते हैं. So instead of driving the bird away, इसकी बजाय कि वो उस चिड़िया को भगा दे. And many time we come. कई बार हम ये कहते हैं आओ आओ आओ. You can build a nest over my head. ना तुम मेरे सर के ऊपर उस घोंसले को बना सकते हो. And devil is very happy. और शैतान बहुत खुश होता है. That is a problem. और यही समस्या है. You need to have that resisting power which is within you because he who lives in you is greater than he that is in the world. और आपके पास उसका सामना करने का वो शक्ति और सामर्थ्य होना चाहिए क्योंकि वो जो आपके भीतर है उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य है जो इस संसार में है. So young people, तो इसलिए जवानों, here is the key. और यहाँ पर वो कुंजी मैं आपको देता हूँ. In you lives Jesus. आपके अगर आपके भीतर यीशु है. Not the devil. ना कि शैतान. And that Jesus is greater than the devil. तब याद रखिए वो यीशु उस शैतान से कहीं ज्यादा महान और सामर्थ्य है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is a very important lesson. I want you to take it to heart and live accordingly because these are the last days. और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है शिक्षा. मैं चाहता हूँ आप इन शिक्षाओं को हृदय में लें और इनके अनुसार जिए क्योंकि ये अंत के दिन है. Many are falling from the faith. कई विश्वास से छोड़कर जा रहे हैं. Now that doesn't mean I have to fall. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं भी चले जाएं. Because I stand on the victory that Jesus already won. क्योंकि हम और आप खड़े होते हैं उस विजय पर जो यीशु मसीह ने पहले से ही जीती. Because remember on the cross Jesus triumphantly waged a battle and became victorious. क्योंकि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी जयवंत के साथ एक लड़ाई को लड़ा और विजय पाई. He did it for you. और उसने इस बात को आपके लिए किया. He did it for me. मेरे लिए किया. And so when temptation comes. और इसलिए जब परीक्षाएं आती हैं. Sometimes it is very irresistible. कई बार ऐसी परीक्षाओं का सामना इनके विरुद्ध खड़ा होना because बड़ा मुश्किल होता है. As many people imagine, the devil will not come to you with like a black with a long tail and fearful thing. और जैसा कई कुछ लोग सोचते भी शैतान जब आपके सम्मुख आएगा या सामने आएगा तो लंबी पूंछ और लंबे दांत या डरावनी शक्ल लेकर के नहीं आएगा. No, he will not come like that. वो इस प्रकार नहीं आएगा. He will come to you in the form of a beautiful young girl. लेकिन वो शैतान तो आपके सम्मुख आएगा एक जवान स्त्री के रूप में जो बहुत सुंदर है. Or a very handsome young man. या एक बहुत ही सुंदर जवान लड़के के रूप में. You will talk very sweetly. और जो आपसे बड़े मीठे शब्दों में बात करेंगे. And listening to him itself will make you fall. और उनको सुनने से ही आप गिर जाएंगे. अरे ये बहुत प्यार करने वाले हैं.
मैं बहुत बढ़िया है, मेरा पिताजी मेरे घर में कोई मुझे अच्छी तरह बात भी नहीं करते हैं, लेकिन ये देखो कितना स्वीट है। That's the way the devil comes. और इस रीति से शैतान आता है। Please remember that. कृपया करके इस बात को याद रखिए। And in that form he comes. और इस रूप में वो आता है। The devil doesn't care if you go to church. और शैतान इस बात की भी चिंता नहीं करता कि आप कलीसिया जाते हैं। You go. आप जाइए। But don't commit your life to Jesus. लेकिन आप कलीसिया जाइए, लेकिन अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित मत करें। Don't be baptized. और बपतिस्मा मत लेना। These are the things. ये वो बातें हैं। So resist the devil and he will flee away, not I. और इसलिए याद रखिए, आप शैतान का सामना करिए और वो आपसे भाग जाएगा, ना कि आप भागिए। Resist the devil. शैतान का सामना करिए। He will flee away. और वो भाग जाएगा। Not you. आप ना भागिए। Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. यीशु के नाम में। We will continue to read this. I want you to know what the Word of God teaches us. और हम इसे निरंतर पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, आप जाने। Because I know that these are the last days. क्योंकि मैं जानता हूँ ये अंत के दिन है। We must know the truth. और हमें सत्य को जानना है। God's blessing be upon you. परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर है। Let us all lift up our hands. आइए हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful Savior we have. और कितना अद्भुत उद्धारकर्ता हमारे पास है। God is a great God. परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Blessed be the name of the Lord. और परमेश्वर का नाम को स्तुति मिले। I'll tell you what. और मैं आपको बता दूं। You are in few minutes time you will be going out. और कुछ समय में आप बाहर इस भवन से चले जाएंगे। And living facing the world. और आप संसार का सामना करेंगे। The next 6 days. अगले हफ्ते के 6 दिन जो हैं उसमें आप संसार का सामना करेंगे। And the devil is after you. और शैतान आपके पीछे है। At the same time, Jesus Christ and the Holy Spirit is within you. लेकिन उसी समय आपको ये भी समझना है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके भीतर हैं। If you don't have that certainty, और अगर आपके पास ये विश्वास नहीं है, surrender yourself to Jesus. तब अपने आप को परमेश्वर को, प्रभु यीशु को समर्पित कर दें। Invite him to come into your heart. और उसे ये न्योता दें कि वो आपके हृदय में आए। And be the Lord of your life. और आपके जीवनों का प्रभु ठहरे। Let the love for God's word increases in you. उन्हें दे परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम है वो आपके भीतर बढ़े। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति।